Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher, Happy High School, जुई कला. Last tense, टेंस के बारे में हम आज अंतिम जो चरण है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे. इसकी पहचान भविष्य काल में जारी हुआ कोई कार्य का कुछ भाग पूरा हो चुका हो और कुछ जारी हो अभी पूर्ण ना हुआ हो उसके लिए इस टेंस का प्रयोग होता है. हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आदि का प्रयोग होता है. जैसे वह 2 घंटे से खेत में काम कर रहा होगा. राधा 10 मिनट से अपनी कविता याद कर रही होगी. इस तरह के वाक्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है. इसके बनाने का नियम अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल है वो बीइंग और विल है वो बीइंग कर्ता अनुसार. आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल है वो बीइंग और अदर्स कोई और दूसरा सब्जेक्ट है तो आप विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे. उसके बाद वी वन आई एन जी यानी वर्ब की आई एन जी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हुए, और उसके बाद आप टाइम जो भी दिया हुआ निश्चित या अनिश्चित समय है उसको स्थान देंगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप कर देंगे. जैसे सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन कर्ता के अनुसार, सी विल हैव बीन और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट हर पॉइंट, फिर सेंस फॉर्म में फॉर का प्रयोग, एन आवर अनिश्चित समय. सी विल हैव बीन लर्निंग हर पॉइंट फॉर एन आवर घंटे भर से वह अपनी कविता याद कर रही होगी. वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे. सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे होंगे. इस तरह से आप कोई भी साधारण वाक्य इस पैटर्न के द्वारा बना सकते हैं. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल विल के बाद नोट और उसके बाद आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे. जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब शैल नोट हैव बीन या विल नोट हैव बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम लगाएंगे. जैसे इसी वाक्य को हम नेगेटिव फॉर्म में बोले हैं तो सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर पोइम फॉर एन आवर. इस वाक्य को नेगेटिव फॉर्म में वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल विल को आप पहले रखेंगे कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग, उसके बाद आप टाइम जो भी दिया है रखकर आप इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे. जैसे हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट के स्थान पर यू हैव बीन और डूइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर में से फॉर 2 आवर्स समय हो गया और इंटरोगेशन मतलब विल यू हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 आवर्स क्या आप 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे होंगे. इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर इंटरोगेशन डब्ल्यूएच वर्ड के साथ है तो क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले रखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार शैल विल को स्थान दे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम और सबसे लास्ट में आप इंटरोगेशन लगाएंगे. जैसे क्वेश्चन वर्ड हु
हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, घंटे भर से कौन एक गीत गा रहा होगा। वेयर हैव यू, वेयर हैव ही बीन वर्किंग फॉर 5 months, 5 महीने से वह कहां काम कर रहा होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटरोगेशन बना सकते हैं। इस तरह से हमने एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी आपको दी। इसका आप अभ्यास करें, कहीं कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।